ये मूवी एडवांस ह्यूमंस के बारे में है जो अलग अलग गैलेक्सी में प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें किसी भी तरह के खतरे से बचाते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जेम्स और मैकॉय को देखते हैं जो निपीरू प्लैनेट के लोगों से बच के भाग रहे थे। दरअसल उनके प्लैनेट पर एक वोल्केनो यानी एक ज्वालामुखी फटने वाला था जिसमें उनका पूरा प्लैनेट खत्म हो जाता। जेम्स की टीम उसी इरप्शन को रोकने गई थी लेकिन वहां के लोकल लोग उन्हें अपना दुश्मन समझकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आखिर में उनके कैप्टन स्पूक्स को उस वोल्केनो में उतरना पड़ता है ताकि वो उसे कोल्ड फ्यूजन से ठंडा कर सके। जेम्स और मैकॉय अपनी स्पेसशिप में वापस आ गए थे लेकिन स्पूक्स उस वोल्केनो में फंस गया था। उसे बचाने के लिए जेम्स सभी रूल्स को तोड़कर स्पेसशिप को पानी से बाहर निकालता है ताकि वो स्पूक्स को अपनी में टेलीपोर्ट कर पाए और इस तरह उसकी जान बच जाती है और वो ज्वालामुखी पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। निबीरू प्लैनेट के लोगों ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी इसीलिए वो उसकी ड्राइंग बनाकर उसे अपना गॉड समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी अर्थ पर वापस आ जाते हैं। उनका कमांडिंग ऑफिसर क्रिस्टोफर पाइक उन्हें कहता है कि उस प्लैनेट के लोगों ने अभी तक एक पहिया बनाना भी नहीं सीखा है और तुम दोनों ने उन्हें इतनी एडवांस शिप दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए वो जेम्स को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं और स्पूक्स का किसी दूसरे शिप में ट्रांसफर कर देते हैं। दरअसल उनकी रिपोर्ट में स्पूक्स नहीं लिखा था कि उन्होंने रूल्स को तोड़ा है क्योंकि उनकी स्पीशीज के लोग कभी झूठ नहीं बोला करते थे। जेम्स उसके ऊपर गुस्सा करता है लेकिन ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बेटी कैंसर से मर रही थी। उसके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे अपना खून देता है जिसे वो अपनी बेटी की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और वो देखता है कि वो ठीक होने लगी है। इसके बाद वो स्टार फ्लीट के हेडक्वार्टर में जाता है और अपने वादे के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है जिसमें उसके साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई जाती है और उन्हें पता लगता है कि ये सब हैरिसन नाम के एक आदमी ने किया है। वो कौन था, उसने ऐसा क्यों किया, उन्हें कुछ पता नहीं था लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है। जेम्स देखता है कि हैरिसन ही उनके ऊपर हमला कर रहा था। वो उसके फाइटर प्लेन को खराब कर देता है पर हैरिसन वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। इस हमले में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। जेम्स उन्हें देखते ही रोने लगता है क्योंकि एक वही थे जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। उन्हें पता चलता है कि हैरिसन क्रोनोस प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो गया है और वहां पर जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि उस प्लैनेट से उनकी दुश्मनी थी और वहां जाकर उस पर हमला करने से वो जंग शुरू कर देते। जेम्स कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, हम उनसे बात करके उसे वापस अर्थ पर ले आएंगे। इसके बाद मार्कस उसे उसकी पोस्ट वापस कर देता है और उन्हें एक नए वेपन का एक्सेस देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन स्पूक्स उसे कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी को भी बिना कोर्ट में पेश किए नहीं मार सकते पर जेम्स उसे कहता है कि उसने जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो क्रोनोस पर जाने की तैयारी कर रहे थे पर उनका चीफ इंजीनियर उन टॉर्पीडोज को ले जाने का अप्रूवल नहीं देता। वो जेम्स से कहता है कि ये वेपन्स बहुत खतरनाक हैं और हमें शायद इस चीज में जानबूझकर घसीटा जा रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो इसका अप्रूवल नहीं दे सकता। जेम्स उसके रिजाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो सभी क्रोनोस प्लैनेट की ओर जाते हैं लेकिन जेम्स अपनी क्रू की जान दाव पर नहीं लगाना चाहता था इसीलिए वो सिर्फ कुछ लोगों के साथ उस प्लैनेट में एंटर करता है। उन्हें हैरिसन की लोकेशन मिल गई थी। वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो उसके ऊपर टॉर्पीडो से हमला करेंगे। जेम्स जैसे ही नीचे आता है क्रोनोस के लोग उस पर हमला करते हैं और उसे शिप को लैंड करने का ऑर्डर देते हैं। यहूरा कहती है कि मुझे उनकी भाषा आती है इसीलिए मैं उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद यहूरा उनसे बात करती है। उनका लीडर कहता है कि हम इंसानों की मदद क्यों करें। वो उसे मारने वाला था लेकिन तभी उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। उनके बीच में कोई था जो क्रोनोस को मार रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि हैरिसन था और वो खुद को सरेंडर करने आया था। जेम्स उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। वो अपने स्पेसशिप में वापस जाते हैं पर उसमें कोई खराबी के चलते वो स्टार्ट नहीं हो पाता। हैरिसन उन्हें कहता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में है और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसका पूरा क्रू मारा जाएगा। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें उस टॉर्पीडो को खोलना होगा। हैरिसन उसे एक लोकेशन देता है और वहां पर जाने को कहता है। जेम्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था लेकिन उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई थी इसीलिए वो स्कॉट को उस लोकेशन पर जाने को कहता है और वो उस टॉर्पीडो को खोलने के लिए नीचे ले जाते हैं। उसे खोलते वक्त वो एक्टिवेट हो जाता है और मैकॉय का हाथ उसमें फंस गया था। इससे पहले वो टॉर्पीडो फट जाता, कैरल उसे बंद कर देती है और उसे खोलने पर उन्हें एक आदमी की बॉडी मिलती है जो
300 साल पुरानी थी और उसे फ्रीज करके रखा गया था। हैरिसन उन्हें कहता है कि हर एक टॉरपीडो में उसका एक आदमी है और उसका नाम हैरिसन नहीं बल्कि खान है। वो सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस हैं। इंसानों ने हमें बनाया था लेकिन उन्होंने ही हमें देशद्रोही घोषित करके हमें क्रायो चेम्बर्स में सुला दिया। एक साल पहले मार्कस ने मुझे दोबारा जगाकर मुझसे खतरनाक हथियार बनवाए और उसने तुम्हें यहाँ मुझे पकड़ने नहीं बल्कि उन टॉरपीडोज को टेस्ट करने के लिए भेजा है जो मैंने बनाए हैं। तभी उनके सामने एक शिप आता है, उसके अंदर मार्कस था। मार्कस उसे खान को उसके हवाले करने को कहता है। जेम्स उसे कहता है कि हम खान को अर्थ पर ले जा रहे हैं और वहीं पर उसे उसकी सजा मिलेगी। वो अर्थ की ओर अपनी शिप को ले जा रहे थे पर मार्कस उनका पीछा करता है और उनके ऊपर हमला करता है और उसके कई लोग स्पेस में मारे जाते हैं। कैरल मार्कस की बेटी थी, वो उसे ये सब रोकने को कहती है लेकिन मार्कस उसे अपने शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है। जेम्स उसे कहता है कि अगर तुम्हें खान चाहिए तो हम उसे छोड़ देंगे पर वो उसके क्रू को कुछ ना करे। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए ही भेजा था। वो उन्हें खत्म करने वाला था पर तभी उनकी स्पेसशिप काम करना बंद कर देती है क्योंकि उसके अंदर स्कॉट था। खान ने जो लोकेशन बताई थी वो मार्कस के स्पेसशिप की थी। अब उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया था। जेम्स डिसाइड करता है कि वो खान के साथ मार्कस के शिप में जाएगा। स्पूक्स उसे खान को ले जाने से मना करता है क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था पर जेम्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो खान को अपने साथ चलने को कहता है और बदले में वो उसके क्रू मेंबर्स को आजाद कर देगा। खान स्कॉट को स्पेसशिप के डोर ओपन करने को कहता है और वो दोनों अपनी स्पेसशिप से जंप लगा देते हैं। स्कॉट उस गेट को खोलने ही वाला था कि तभी मार्कस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो दोनों गेट के बहुत पास थे। अगर वो गेट नहीं खोलता तो वो बाहर ही जमकर मर जाते। स्कॉट गेट को खोल देता है और वो सोल्जर वैक्यूम की वजह से बाहर फेंक उठता है। वो दोनों अब अंदर आ चुके थे। उनके पास फ्यूचर को भी देखने की टेक्नोलॉजी थी। स्पूक्स अपने ही ओल्ड वर्जन से बात करता है और उससे पूछता है कि खान कैसा आदमी है और वो उसे कहता है कि खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो किसी को भी मार सकता है। खान उनके कंट्रोल रूम में पहुंचता है पर जेम्स उसे शूट करके बेहोश कर देता है। वो मार्कस को सरेंडर करने को कहता है लेकिन वो कहता है कि जिस प्लेनेट के लोगों को तुमने अभी मारा है वो जल्दी ही इंसानों पर हमला करेंगे और अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तुम लोगों को कौन लीड करेगा। इसी बीच खान जेम्स को मार मार कर अधमरा कर देता है और वो मार्कस के सिर को अपने हाथों से दबा कर फोड़ देता है। खान कहता है कि वो उसके सभी क्रू को उसकी शिप में ट्रांसफर कर दे नहीं तो वो उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। स्पूक्स को लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा नहीं तो उसके लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर खान उसे कहता है कि उसके लोग बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं इसीलिए मैं तुम्हारे ऑक्सीजन टैंक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जब तुम्हारे लोग दम घुटने से मर जाएंगे तो वो अपने लोगों को वहां से निकाल लेगा। उसे लगा कि यहाँ तो हर तरफ से वो मारे जाएंगे और इसीलिए उसे खान की शर्त को मानना पड़ता है। वो सभी क्रू मेंबर्स को खान की शिप में टेलीपोर्ट कर देता है। बदले में खान भी उन्हें जेम्स को वापस कर देता है लेकिन वो उन सब को एक साथ खत्म करने वाला था। वो उनके ऊपर मिसाइल्स की बारिश करने लगता है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी पर तभी वो टॉरपीडोज एक्सप्लोड करने लगते हैं क्योंकि स्पूक्स ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था पर उसमें से सारे क्रू को निकाल लिया था। खान का शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है लेकिन उनका शिप भी कोई सेफ नहीं था। वो अर्थ की ग्रेविटी में फंस गए थे और अगर उनके इंजन स्टार्ट नहीं हुए तो उनकी अर्थ से टक्कर हो जाएगी। उसके ग्रेविटी इंजन फेल हो गए थे जिसकी वजह से वो सभी हवा में इधर उधर उड़ने लगे थे। जेम्स डिसाइड करता है कि वो रिएक्टर को दोबारा से स्टार्ट करेगा पर स्कॉट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके रेडिएशन से किसी की भी जान जा सकती थी। जेम्स स्कॉट को वहीं पर बांध कर अकेले ही अंदर जाता है लेकिन रेडिएशन से एक्सपोज होते ही उसकी बॉडी कमजोर होने लगती है पर वो किसी तरह रिएक्टर को दोबारा से स्टार्ट कर देता है और उनका इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और वो सभी क्रैश होने से बच जाते हैं। लेकिन जेम्स की बॉडी रेडियो एक्टिव हो गई थी। स्पूक्स उसे अंदर लाना चाहता था पर स्कॉट कहता है कि अगर उसने गेट को खोल दिया तो रेडिएशन उनके पूरे शिप में फैल जाएगी इसीलिए हमें ना चाहकर भी इंतजार करना पड़ेगा। और इस तरह स्पूक्स अपने ही दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। उसे पहली बार इतना गुस्सा आया था और वो खान को मारना चाहता था। खान का शिप क्रैश कर रहा था पर वो जानबूझकर उसे शहर के बीचों बीच लैंड करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। स्पूक्स उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ मैकोए देखता है कि खान के ब्लड में
किसी भी मरे हुए को जिंदा करने की पावर थी। वो कहता है कि हमें खान को जिंदा पकड़ना होगा, लेकिन स्पूक्स और खान के बीच में फाइट हो रही थी और स्पूक्स बस उसे किसी भी हालत में जान से मारना चाहता था। उससे कॉन्टैक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। खान उससे बहुत पावरफुल था और उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहूरा वहाँ पर टेलीपोर्ट होती है। स्पूक्स उसे बुरी तरह पीटने लगता है। यहूरा उसे कहती है कि हम उसके ब्लड से जेम्स की जान बचा सकते हैं। इसके कुछ हफ्तों के बाद हम जेम्स को देखते हैं। मैकोय ने उसकी जान बचा ली थी। जेम्स उन सभी को थैंक यू कहता है और इसी के साथ उन्होंने खान को दोबारा से क्रायो चेम्बर में डाल दिया था ताकि वो और तबाही ना मचाए। इन सब के एक साल बाद जेम्स उन सभी को श्रद्धांजलि देता है जो उस दिन स्टार फ्लीट के हेडक्वार्टर में मारे गए थे। और अब उनका नया मिशन था कि अगले 5 साल में वो और नई गैलेक्सीज की खोज करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।